सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की मैरिज भले कंट्रोवर्सी के छाते में गिर गई हो, बट दोनों कपल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों अपनी न्यू मैरिड लाइफ में वेलकम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और पूरी तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखते हुए महंगे गिफ्टों की पुंजड़ी लगा चुके हैं। शादी के बंधन बनने के बाद दोनों कपल ने मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी थी, जिसे बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार ने अटेंड किया। हालांकि जहीर सोनाक्षी ने शादी के बंधन बनने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें पोस्ट की थी। दोनों कपल्स को फैंस ने शुभकामनाएं दी। बड़ा खबरें आ रही, जहीर ने अपनी लेडी लव को काफी महंगा गिफ्ट दिया है। पति से सोनाक्षी सिन्हा को करोड़ों की कीमत का गिफ्ट मिला है। दरअसल रिपोर्ट में कहा जा रहा है, जहीर इकबाल ने अपनी पत्नी सोनाक्षी सिन्हा को एक बहुत ही महंगी लग्जरियस कार गिफ्ट की है, जिसका नाम है BMW i7। यह इलेक्ट्रिक सेडान कार है जो तोहफे मिली है। इसकी कीमत करीब 2.21 करोड़ बताई जा रही है। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल दोनों ही बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जहां पर जहीर इकबाल की बिजनेस फैमिली है। सोनाक्षी सिन्हा अपने परिवार में बॉलीवुड की लंबी लीगेसी लेकर आती हैं। ऐसे में दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की। सोशल मीडिया पर समाज में कई तरह के ट्रोलर का सामना किया, पर दोनों जिस तरीके से एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, उसे लगता है उनको ट्रोलर से फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं, 23 जून को दोनों ने मुंबई के बांद्रा वाले घर में परिवार और करीबियों के बीच में कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद ग्रैंड रिसेप्शन किया था। हालांकि सतगुरु सिन्हा मौजूद रहने के बाद उनके दोनों बेटे अपनी बहनों की शादी में शुभकामनाएं देने नहीं आए, ये बात सोनाक्षी सिन्हा को बहुत खलती है। हालांकि दोनों भाइयों से एक भाई का क्लेम यह कि वो मैरिज में मौजूद थे बट फोटोग्राफी से दूर रहे, इसलिए उन दोनों भाइयों में से एक की वाइफ तरुणा मौजूद वहां रही। बराबर दोनों कपल आकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें जोरदार तरीके से पोस्ट कर रहे हैं। फैंस का प्यार मिल रहा है। यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपना कमेंट जो ऑफ किया था उसको ऑन कर दिया है। एक्चुअली सोनाक्षी सिन्हा को स्टार्टिंग में हिंदू मुस्लिम मैरिज को लेकर कई तरीके के नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए अपने सोशल मीडिया के सारे प्रोफाइल में उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया ताकि लोग नेगेटिविटी ना फैला पाए। अब चूंकि मामला शांत हो चुका है, दोनों की मैरिज हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि वो यूनिवर्सल धर्म को एक्सेप्ट करती है, ना हिंदू ना मुस्लिम, उनको यूनिवर्सल रिलीजन पसंद है। इसी बात से अपने हस्बैंड को प्यार करती है और दोनों एक दूसरे के साथ सात जन्म तक रहने का वादा करते हैं। बड़ा सोनाक्षी सिन्हा की जहीर इकबाल की मैरिज को किसी की नजर न लगे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। बाकी रही बात हिंदू मुस्लिम की, इस देश का पुराना मर्ज है, लोग हर बात पर कुछ न कुछ कहेंगे, बिकॉज लोग हर बात पर कुछ न कुछ कहेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।